मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला का आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब करने का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर सीधा निशाना साधा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल प्रदेश कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस से पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया शिवराज सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि भाजपा आदिवासी को दुश्मन समझ रही है। एक आदिवासी गरीब के साथ भाजपा नेता ने कृत्य किया है, इसके लिए उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। कांतिलाल भूरिया ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार आदिवासी की रक्षा नहीं कर पाई तो आने वाले समय में आदिवासी अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सीधी में जो मामला आया है, सीधी में जो मामला हुआ है, एक आदिवासी को पेशाब किया गया है, भाजपा कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसको लेकर आज पुतला दहन भाजपा सीधी में जो मामला हुआ है, एक हमारा निर्दोष युवक के साथ मारा पीटी की, फिर उसके ऊपर पेशाब किया, और हर तरह से भाजपा का नेता था वो, जो प्रवेश शुक्ला है वो भाजपा का नेता है, और उसने हमारे आदिवासी युवक के साथ मारपीट की, उसके ऊपर पेशाब किया है, घिनौना अपराध किया है। अब इस सरकार में नैतिकता थोड़ी भी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, एक्ट तो लगाए और कई धाराएं लगाकर उसको जेल में बंद करें और उनको सजा कड़ी मिले, ये हम मांग कर रहे हैं। पर सरकार का ये आदमी है वो भाजपा का नेता है, वो फिर दादागिरी करके आदिवासियों के साथ मारपीट करना, पेशाब करना और कई हरकत करता फिर रहा था शुक्ला, पर सीएम और गृह मंत्री उसको बचाने में लगे हुए हैं। तो हम बिल्कुल, हमारा जिले के सभी कार्यकर्ता आदिवासी विकास परिषद और सब जगह जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे और कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से जांच हो और दोषियों को कड़ी कार्रवाई हो और जो अधिकारी उनको बचाने में लगे उनके खिलाफ भी जांच हो और उनको भी मतलब कटघरे में लाना चाहिए। आपने कहा आदिवासी हथियार उठाने पर मजबूर हैं, तो ऐसी स्थितियां कानूनन बन गई हैं। बिल्कुल, अब अगर सरकार नहीं सुनेगी, आदिवासी आत्मरक्षा करेंगे, अपना आदिवासी अपने जो भी रखते हैं आप आत्मरक्षा के साधन वो हाथ में लेंगे और अपना बचाव तो करेंगे। सरकार तो खुद बना मरवाने पिटवाने में और उनको तबाह करने में लगी हुई है, तो आदिवासी खुद अपने आत्मरक्षा का हथियार उठाएंगे तो फिर सरकार भी राज्यपाल को ज्ञापन देने की बात होगी, राज्यपाल को भी ज्ञापन देंगे, वहां में राज्यपाल हमारे संरक्षक आदिवासियों का, तब वो सरकार को मैंने निर्देश दें कि ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और उसकी रिपोर्ट राज्यपाल बुलाए अपने पास। भाई दूसरे राज्य में हो गैर भाजपा शासित राज्य कहते हैं, जो गैर भाजपा राज्य है वहाँ ये अपराध हो रहा है, भाजपा शासन में वहाँ जो है वो सब अपराध कर रहे हैं, ये पूरा संरक्षण सरकार का है, तो ये भाजपा की जान से सरकार है, वहाँ सब ये सब खेल हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बेन बेटी की वजह से बलात्कार हो रहा है, तो मार के टांग रहे हैं, तो फांसी टांग रहे हैं, तो ये सब तरीके है। आज फोटो आपने देखा नहीं, कई आदिवासियों को अपने फांसी पे टांग रहे और हाथ ऊपर करके बांध दिए खड़े और मुर्गा बना रखा, वो ऐसे मतलब सब मतलब वीडियो जारी हुए देखा आपने, तो ये थाने में, तो ये वीडियो आप कहाँ दिखाएंगे, आप जगह जगह जाकर थाने में आदिवासियों के हाथ ऊपर बांध रखे और पीछे बांध रखे, मुर्गा बना रखा थाने में, ये विधानसभा में ये मुद्दा उठाएंगे, हम लोग उठाएंगे ना, उठाएंगे और वीडियो हमारे पास है, बताएंगे हम वहाँ। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ता बीजेपी विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह शराब के नशे में धुत एक आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब करता नजर आ रहा है। यह वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर हमलावर हो रही है। हालांकि इस मामले में आरोपी प्रवेश शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर NSA की कार्यवाही कर जेल भेज दिया है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।